विदा पीपल में, हम भारत के लोग में जो मीटिंग चलती हैं उसमें कई बार ऐसे जोशीले नौजवान और कई बार ऐसे जोशीले बुजुर्ग यानी बूढ़े भी जो युवाओं से कम नहीं होते, वो ऐसी बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की तरह हमको क्रांति करनी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस की तरह हमको लड़ना चाहिए तो हम जीतेंगे। तो मैं उन सबको ये बता दूं कि वी द पीपल जो कंसेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाबा साहब ने बनाया है। बाबा साहब ने जितने भी एजिटेशन किए उनमें कहीं कोई भी हिंसा नहीं है और उन्होंने कोई हिंसा के लिए जगह स्थान बताया नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हमको हथियार रखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि हथियार रखना चाहिए। बहुत सारे लोग लाइसेंस लेते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, चोरों से डकैतों से सुरक्षा के लिए ले सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं है, वो आपका राइट है, तो उसमें किसी को कुछ कहना भी नहीं है। मगर हमारा जो जितना भी आंदोलन है वो बुद्ध के समय बहुत अच्छा एजुकेशन पर आधारित रहा है। बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने सबको पढ़ाया और एक दुनिया का पहला संघ बनाया और जीत गए। तो कासीराम जी ने क्या किया, कासीराम जी ने सबको इकट्ठा किया और समझाया तो आगे बढ़े हम। तो हमारे जो महापुरुष हैं, संत कबीर हैं या रविदास हैं या गुरु नानक हैं या चोखा मेला हैं या सतनाम हैं या दुर्बल नाथ हैं, क्या किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि संगत में रहो, संगति करो, साथ रहो, इकट्ठे रहो, और जगाया और उन्हें जागृत किया तो हम बचे रहे। 2 अप्रैल 2018 को क्या हुआ, हम सिर्फ सड़क पर आए, इकट्ठे हुए, हमारे अधिकार बच गए। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, उन्होंने हमारे लड़कों को, अनपढ़ लड़कों को भड़काकर उल्टे सीधे काम कराने की कोशिश की। उन्होंने काम किया नहीं मगर उनके नाम छाप दिए। FIR तो कोई भी लिख सकता है, आप कहीं बैठे हो कोई भी FIR काट सकता है, बाद में आप लड़ते रहो देते रहो सबूत, वो बाद की बात है। तो उसको ऐसा किया गया। कई लोगों ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की तरह होना चाहिए। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि भारत सरकार में सुभाष चंद्र बोस का कोई हिस्सा रहा नहीं है, आज़ादी के बाद सुभाष चंद्र बोस का नाम भी नहीं रहा। ऐसा पता चला है कि जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया और एक मांग रखी कि जब भी सुभाष चंद्र बोस को पकड़ा जाएगा तो हमको हैंडओवर किया जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि सुभाष चंद्र बोस के नाम का कहीं कोई सरकारी कार्यक्रम होता नहीं है, ना ही उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है, ना ही उनका मरण दिन का पता है, ना ही उनकी कोई शताब्दी होती है, ना ही उनके कोई एग्जीबिशन होते हैं, ना ही गवर्नमेंट उनका कोई नाम लेती है। तो जो लोग हिंसा से और हिंसा की तरफ बढ़ना चाहते हैं या हिंसा की तरफ सोचते भी हैं, उनको अपनी सोच बंद कर देनी चाहिए। अगर वो भगवान बुद्ध या बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान या जो मान्यवर साहब कासीराम का काम करने का तरीका या जो 2 अप्रैल 2018 का तरीका उन्होंने देखा है, तो आपको सिर्फ इकट्ठा होना है, संविधान के नियमों के तहत इकट्ठा होना है। देश आपका है, जमीन आपकी है, जायदाद आपकी है, सब कुछ आपका है, अपने अधिकार लेने के लिए इकट्ठे होने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर हिंसा को पूरी दुनिया बर्दाश्त नहीं करती। हिंसक आदमी को जानवर की तरह गोली मार दी जाती है, गोली मारने वाले का राइट बन जाता है। ये ठीक ऐसे है कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने हिंसा करे और आप उसको जान से मार दें या गोली मार दें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान कहता है कि आपने ठीक किया है। वैसे ही अगर आप हिंसा करेंगे तो हिंसा को दबाने के लिए संविधान ये राइट देता है कि आपको जेल में डाल दिया जाए, आपके खिलाफ FIR की जाए, या ज़्यादा हिंसा करते तो आपको गोली मार दी जाए। तो ये राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इनको वायलेट ना करें। कोई बहुत नादान सा व्यक्ति, कोई जोशीला होगा या कुछ युवा जोशीले होंगे या युवा ऐसे सोचते होंगे, दुनिया में कहीं भी जो हिंसा है, हिंसा का फ़ायदा हमेशा अल्पसंख्यक को होता है जो संख्या में कम होते हैं। बहुसंख्यक का जो फ़ायदा है वो हमेशा फ़ायदा जो होता है वो शांति में होता है। आप याद कीजिए जो भारत के अंदर अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाया गया था उसमें हिंसा करने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं था, वो मारे गए। मगर जिन लोगों ने शांति से काम किया वो सत्ता में रहे, सत्ता उनको मिली और अंग्रेज भी यहाँ से चले गए। असहयोग आंदोलन बहुत बढ़िया था। असहयोग आंदोलन में आप मत काम कीजिए, आपका मन है, कोई नियम नहीं टूटता, आपकी मर्जी है। या आप जैसे विदेशी सामान था उसका उन्होंने बहिष्कार किया, वैसे ही आप देखें कि आपको किस किस आंदोलन में करना है जिससे कि चीज़ें आपके फेवर में होती चली जाएं। तो ये आंदोलन करने के शांतिपूर्वक तरीके होते हैं, यही अपनाने चाहिए जब अपनी मांग को रखें। बाबा साहब ने जो कालाराम मंदिर में आंदोलन किया था तो कोई हिंसक आंदोलन नहीं किया,
कर सकते थे, वो लोग उनके साथ थे, मगर वो जानते थे कि हिंसक आंदोलन हमेशा नुकसान पहुंचाता है हर चीज़ को। इसलिए कालाराम मंदिर में वो जख्मी भी हुए मगर उन्होंने हिंसा नहीं की, और हिंसा के लिए कभी उन्होंने सिंगल वर्ड भी कहा नहीं। तो जो लोग यहाँ आते हैं मंच पे, वो इस वीडियो को देखें। जो नौजवान हमारे ये सोचते हैं कि हिंसा से कोई रास्ता निकलता है, वो हिस्ट्री उठा के देखें, बाबा साहब की देखें, गुरु रविदास की देखें, कबीरदास की देखें, भगवान बुद्ध की देखें, और जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ घटी हैं वो देखें, या भारत का आंदोलन देखें, कैसे भारत के आंदोलन में असहयोग आंदोलन चलाकर जीत हासिल की, कैसे भारत के आंदोलन में जो आंदोलन चलाया उसमें किस तरह से क्या क्या चीज़ें मोड़ ली और कैसे ली, वही अगर नियम आप अपनाएंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेंगे और उससे बहुत जल्दी आपकी जीत होगी, आपकी मांगें पूरी होंगी, सरकार आती रहेंगी, सरकार जाती रहेंगी, आप इकट्ठे हो जाइए, फिर आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। धन्यवाद।